दोस्तों, इस बार लोकसभा के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अगर 100 दोस्त हार जाएं लेकिन एक दुश्मन की जीत हो जाए तो इससे बड़ी दुखद खबर और कुछ भी नहीं होती है। यहां पर परेशानी ये है कि हमको दुख इस बात का नहीं है कि हमारे दोस्त हार गए हैं, दुख इस बात का है कि दोस्त के हारते हुए एक दुश्मन कैसे जीत गया है। बात करेंगे आज हम लोग लोकसभा के उन 2 सीटों के बारे में जहां पर चौंकाने वाले रिजल्ट रहे हैं। हम लोग बात करेंगे अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह के बारे में, जो कि खालिस्तान के समर्थक थे लेकिन फिर भी उन्होंने जीत को दर्ज किया है। इनके जीत के कारण क्या रहे हैं, क्या वजह रही है, उस पर तो हम लोग चर्चा ही करेंगे। लेकिन इस बार बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, यही एक आवाज जो है, यही एक गूंज हमको सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार 400 पार, 300 पार भी नहीं हो पाया है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, क्यों अमृतपाल सिंह इस बार जीत गया है। एक ऐसा इंसान जो कभी भारत के अंदर रहा भी नहीं है, अचानक दुबई से आता है और दुबई से आने के बाद में एक पार्टी को ज्वाइन करता है और उसका चीफ बन जाता है और फिर कुछ समय बाद ही उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और आज वो सांसद बना हुआ है। कुछ समय पहले नजारा ये था कि पुलिस जो थी वो अमृतपाल सिंह के पीछे भाग रही थी और अमृतपाल सिंह मुंह छुपाए हुए गली गली दौड़ रहा था और बाद में पुलिस वालों ने उसको पकड़कर बड़ा धोया था। लेकिन आज वही पुलिस वाले मजबूर होंगे कि एक सांसद को सलाम ठोकेंगे। एक कहानी जो है वो आज उलट गई है। चलिए बात करते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में। आप अपना नजरिया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसने कोई चप्पल भी यहां पर नहीं पहना है, यही इसके जीत का कारण है। जिस सीट से ये खडूर सीट से आता है वहां पर इसका वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि युवाओं ने एक वोट भी इधर उधर नहीं किया और सारे के सारे वोट पड़े हैं अमृतपाल सिंह के खाते में। चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये कहां से खड़ा होता है और इस बार के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए हैं। इलेक्शंस की जो शुरुआत होती है वो होती है 19 अप्रैल 2024 से फर्स्ट फेज के, जिस समय 21 राज्यों के अंदर 102 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेकेंड फेज होता है 26 अप्रैल को, जहां पर 13 स्टेट्स के अंदर 88 जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर इलेक्शंस होते हैं। थर्ड फेज के अंदर 7 मई 2024 को 11 स्टेट्स में 94 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर इलेक्शंस है हुए थे। फेज 4 के अंदर 10 स्टेट्स के अंदर 96 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर इलेक्शन हुए। फेज 5, फेज 6 और फेज 7, ये सबसे अंतिम चरण था जो कि 1 जून 2024 को आयोजित हुआ था। 8 स्टेट्स के अंदर चुनाव हुए, 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आयोजित करवाए गए थे। डेट जो कि काउंटिंग की डेट थी वो 4 जून की थी, मतलब कल की थी। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सीधे आते हैं पंजाब के ऊपर कि आखिरकार पंजाब के अंदर क्या खेला हुआ है, क्योंकि 2 लोकसभा सीट बड़ी चर्चा के अंदर है। पंजाब के अंदर आप लोग देखेंगे कि 7 जो लोकसभा सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई है, 3 जो लोकसभा सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, 1 सीट जो है वो शिरोमणि अकाली दल और 2 कैंडिडेट जो है वो रहे हैं इंडिपेंडेंट, और यही इंडिपेंडेंट आज जो है वो बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन 2 सीटों पर 2 कैंडिडेट हैं, एक तो अमृतपाल सिंह है और एक है ने पूरे भारत के अंदर आज सुर्खियां जो है वो बटोर ली है। इसकी भी हम लोग बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल की, क्योंकि यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण कैंडिडेट है, उसकी चर्चा आगे हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 13 है और 13 सीटें इस प्रकार से यहां पर भरी गई है। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी क्या हालात रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि यहां पर सीट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले गुरदासपुर सीट है, अमृतसर सीट है, खडूर सीट की अभी हम लोग बात करेंगे जहां से अमृतपाल ने जीत दर्ज की है, यहां पे हम लोग बात करेंगे। फिर है जलंधर है, होशियारपुर है, आनंदपुर साहिब है, लुधियाना है, ये सभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पंजाब की। ओके, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग खडूर सीट की बात, मतलब अमृतपाल सिंह के ऊपर फोकस करते हैं कि आखिरकार अमृतपाल सिंह के जीतने का कारण क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि खडूर साहब, ये जो सीट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहां पर फैली हुई है। तो खडूर सीट जो है यहां से अमृतपाल सिंह ने अभी हाल ही में जीत दर्ज की है।
उस एक सीट से इतने सारे कैंडिडेट मैदान के अंदर उतरे थे, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि 3,452 जो वोट पड़े वो नोटा के अंदर पड़े थे, मतलब नन ऑफ द अबव। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे 3,500 के आसपास जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, नन ऑफ द अबव को उन्होंने चुना। लेकिन इसके अंदर सबसे ऊपर जो है वो है अमृतपाल सिंह, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इस एक सीट को जीतने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट मैदान के अंदर उतरे थे और बहुत ही स्टार कैंडिडेट्स यहां पर थे, लेकिन फिर भी अमृतपाल सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है 4,00,000 वोटों से। मतलब 4,00,000 वोट जो है वो यहां पर अमृतपाल सिंह को मिले हैं और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर है, जबकि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जायरा, इनकी कुलबीर सिंह जायरा, इनको भी हार का सामना करना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल वो भी पूरी तरीके से यहां पे लॉस्ट कर गया, लेकिन अमृतपाल सिंह जो है उसने जीत दर्ज की। लेकिन आखिरकार अमृतपाल सिंह की जीत हुई कैसे, हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। अमृतपाल सिंह को जानते हैं कि आखिरकार ये इंसान है कौन। देखिए अमृतपाल सिंह को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो 2012 के अंदर ये दुबई चला गया था काम की वजह से, और 2022 के अंदर वापस लौट के आता है। लेकिन 2022 में लौटने का कारण क्या था, दीप सिद्धू को आप लोग जानते होंगे जो कि एक स्टार भी रहा है, बॉलीवुड का स्टार रहे हैं वो। तो दीप सिद्धू की जिस समय मौत हुई थी उसके बाद में ये जो अमृतपाल सिंह है ये आता है पंजाब के अंदर। पंजाब में आने के बाद देखता है कि वारिस दे पंजाब एक पॉलिटिकल सीट है, या हम लोग कहें कि एक कुर्सी थी जो खाली पड़ी हुई थी, उसका चीफ अमृतपाल सिंह बनता है और भड़काऊ भाषण देना वहां पर शुरू कर देता है। लाल किले पर जब प्रदर्शन होता है तो उस समय अमृतपाल सिंह भी उनके अंदर शामिल था, और उसके बाद में अमृतपाल सिंह और एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको लगा कि यहां पर एक वैक्यूम जो है वो खाली पड़ा है, अगर लोगों को भड़काया जाए खालिस्तान के मुद्दे पर तो लोग आसानी से मेरा पक्ष ले सकते हैं, इसलिए उन मुद्दों को छेड़ना जो है वो शुरू किया किसने, अमृतपाल सिंह ने। खास बात यह है कि जब ये तमाम इन मुद्दों को छेड़ रहा था, खालिस्तान का समर्थन कर रहा था, तो इससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी वो बड़ी खतरे के अंदर थी। पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए बड़ा आतुर थे, ये गली गली भाग रहा था और अंत में जाते हुए इसको पकड़ा गया और डिब्रूगढ़ की जेल असम के अंदर इसको डाल दिया गया। इसके ऊपर NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लगा दिया गया। ये बात है यहां तक की, लेकिन फिर भी जीत कैसे हुई उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया तो वहां पर जो युवा थे उन्होंने देखा कि यहां पर वैक्यूम किस चीज का है, मतलब वहां के युवा किस चीज के लिए परेशान थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी, वहां के कैंडिडेट उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, इसीलिए वहां के युवा परेशान थे, उनको भी, युवाओं को भी, यूथ को भी एक डायरेक्शन चाहिए थी। दूसरी बात, एक सहानुभूति के तौर पर अमृतपाल सिंह के जो माता पिता थे वो भी मैदान के अंदर उतर गए अमृतपाल सिंह की प्रचार करने के लिए, और जितने भी युवा थे पंजाब के खडूर सीट के वो खुद जो है वो प्रचार करने के लिए रोडों पर निकलते हैं और कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। खास बात है कि अमृतपाल सिंह ने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है और जेल में रहते हुए इन लोकसभा के इलेक्शंस को जीत लिया है। दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शराब के नशे के अंदर पंजाब चूर रहता है, इसीलिए अमृतपाल सिंह ने यह कहा कि अगर मैं चुनाव जीतकर आता हूं तो शराब जो है यानी कि नशे को नशे से मुक्त कर दूंगा पूरे के पूरे खड्डूर सीट को या फिर पंजाब को, और यहीं पर जो है वो जीत के आसार बन जाते हैं। तो लोगों को और कुछ मिलता नहीं है, सारी जो जगह थी वो खाली पड़ी रहती है और आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही है, बीजेपी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस ने वैसे ही कुछ नहीं किया, कोई भी बेहतर नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक उम्मीदवार बचता है और वो है अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह की जीत यहां पर दर्ज हुई है और जो पुलिस वाले पहले अमृतपाल सिंह को पकड़ रहे थे आज वही जो है वो सलाम ठोकने के लिए तैयार है, सांसद बन चुके हैं खालिस्तान का समर्थन लेकर। बात करते हैं हम लोग अब दूसरे व्यक्ति की, सरबजीत सिंह खालसा की, जो कि फरीदकोट सीट से हाल ही में इन्होंने जीत का परचम लहराया है। इनकी भी ये जो यात्रा है इतनी आसान नहीं थी। आप लोगों को पता होगा 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भिंडर वाले जो कि रोड़े से आते हैं, रोड़े वही जगह है जहां से अमृतपाल ने अपने प्रचार की जो नींव है वहीं से रखी थी, भिंडर वाले की जगह से। तो वो जो भिंडर वाला था वो अमृतसर के गोल्डन टेंपल के अंदर छिप गया था, उसको बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी के समय एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इससे सिख समुदाय बड़ा नाराज था और सिख समुदाय के उस समय ही कुछ लोग जो कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, उनमें से एक बॉडीगार्ड थे बेअंत सिंह। तो बेअंत सिंह के बेटे हैं
कौन? सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। तो जैसे ही बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी के दूसरे बॉडीगार्ड ने बेअंत सिंह को गोली मार दी थी, इसके कारण बेअंत सिंह की हत्या भी हो गई थी, मतलब उसी समय वो मारे भी गए थे। ये बात है 1984 की। लेकिन उसके बाद में 1989 के अंदर, 1989 के अंदर जो बेअंत सिंह है उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, पत्नी ने चुनाव लड़ा और पत्नी जो है वो जीत भी गई थी, सांसद जो है वो बन गई थी। उसके बाद में 2004 के अंदर चुनाव के मैदान में उतरते हैं बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा। मतलब इनके पेशेंस की भी दाद देनी पड़ेगी, इनके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। अगर इतना कोई धैर्य आईएएस के एग्जाम में रख ले तो वो सिविल सर्वेंट बन जाए, वो कलेक्टर बन जाए। लेकिन सुनिए इनकी कहानी क्या है। 2004 के अंदर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गए। 2007 के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़े, 2009 के अंदर लड़े, फिर भी हार गए। 2014 के अंदर फिर से इलेक्शन लड़े गए, फिर से हार गए। 2019 में समाजवादी पार्टी से, बसपा से चुनाव लड़े थे, फिर ये हार गए। उसके बाद में 2022 में उपचुनाव के अंदर पहली बार इन्होंने जो है वो जीत दर्ज की। कहां पर? 2004 के अंदर एक इंसान इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा है और 2022 में जाकर ये इलेक्शन जीतता है। 2022 में इलेक्शन जीतने के बाद और फिर अब 2024 का फरीदकोट सीट से इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है और लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ये भी खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन आखिरकार ये सीट है कहां पर वो हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहां पर है। इसमें से ये जो सीट है जिसको हम लोग खड्डूर सीट अभी हम लोगों ने देखा, ये जो दूसरी सीट है ये है फरीदकोट की सीट है, जहां सर सरबजीत सिंह खालसा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने जीत दर्ज की है। और ये एक सीट जो आई है वो शिरोमणि अकाली दल के जो प्रकाश सिंह बादल है उनकी जो पत्नी है उनकी सीट यहां पर आई है शिरोमणि अकाली दल की। लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग दो सीटों के ऊपर ही अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो यहां पर सरबजीत सिंह जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक तो अमृतपाल सिंह है और दूसरे कौन हो गए? सरबजीत सिंह खालसा हो गए। सरबजीत सिंह खालसा के जो अगेंस्ट में थे, मतलब विपक्ष के अंदर जो खड़े थे, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के करमजीत सिंह अनमोल थे जो कि फिल्म एक्टर रह चुके हैं। और फिर एक बहुत बड़ा चेहरा था हंसराज हंस का, नाम सुना होगा हंसराज हंस, वो वही है, ये जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, वही वही व्यक्ति शायद वही है, वही गाना उन्होंने गाया था। लेकिन मैं अगर यहां पर रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो उस समय इलेक्शन जीता था हंसराज हंस ने, वो जादू इस बार उनको काम नहीं आ पाया, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था उसके अंदर उनको बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। सरबजीत सिंह को यही मौका जो है वो मिल गया कि किसानों का जो विरोध किया था हंसराज सिंह, यानी कि हंसराज हंस सिंह का जो विरोध किया था, ठीक है, तो इसके अंदर किसान जो है वो बड़े नाराज थे उनसे, हंसराज हंस से, इसलिए उनको भी कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए जितने भी वोटर थे उन्होंने रुख किया, ठीक है, किसकी तरफ? सरबजीत सिंह खालसा की तरफ इन्होंने रुख कर लिया। इसलिए सरबजीत सिंह खालसा की जो है वो जीत दर्ज होती है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2,98,062 जो वोट हैं वो सरबजीत सिंह खालसा को मिले हैं। पूरे भारत में हम लोग बात करें तो तीन सीट बड़ी गरमाई हुई है। पहली तो है कौन सी? पहली है अमृतपाल सिंह की सीट, खड्डूर सीट, दूसरी है फरीदकोट सीट और तीसरी है बारामूला। आप लोग सर्च कीजिएगा कि बारामूला की जो सीट है वो वाकई में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई थी, मुझे आप लोग बताइएगा। बड़ी उसने जो है वो सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन आखिरकार सरबजीत जो है वो चुनाव क्यों जीत गए? पहला कारण ये था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था हंसराज हंस, उन्होंने कोई खासा काम नहीं किया, किसानों का विरोध जो है वो झेलना पड़ा। दूसरी बात, सरबजीत को एक सांत्वना के तौर पर भी देखा जा रहा था कि यार इतने लंबे समय से ये इलेक्शन लड़ रहा है, कभी भी जीत दर्ज नहीं की है, तो इस बार जो वैक्यूम था उसको फिल करने का लोगों के पास में एक ही नजरिया वो देखने को मिल रहा था, और वो था कौन? सरबजीत सिंह। और वोट जो है वो किसके खाते में आए? सरबजीत सिंह के खाते में आए। तो ये बहुत लंबी चौड़ी गणित जो है वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि अगर जो शराब के मुद्दे पर लड़ रहा है, नशा मुक्ति के लिए लड़ रहा है, युवाओं के लिए लड़ रहा है, इसके बाद में फिर वो लड़ रहा है कि आखिरकार
खालिस्तान के मुद्दे पर लड़ रहा है तो दो सीट तो ऐसी पक्की हो गई, लेकिन जो नशे के मुद्दे पर लड़ रहे हैं उनके लिए भी हमने एक कोर्स यहां पर चलाया है, 31 डेज का हार्ड चैलेंज है, ताकि आप लोग अल्कोहल के एडिक्शन से कैसे बाहर निकले। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और वहां पर हमारे इस कोर्स को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं। हमारा एक चैलेंज है, आप अगर आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को पूरा करते हैं तो मेरा यह वादा है आप लोगों से कि आप लोग इससे जरूर जो है वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन को और फोकस को पूरी तरीके से खराब कर रही है, आपको सफल होने से रोक रही है। इसीलिए आप लोग इस कोर्स की तरफ जरूर जाइए, अमेज़न के ऊपर एक बार इस किताब को जरूर एक्सेस कीजिएगा, सर्च कीजिएगा 75 डेज हार्ड चैलेंज, ठीक है, तो वहां पर यह किताब जो है वो आपको बुक ई बुक मिल जाएगी। लेक्चर कैसा लगा आज का? अगर आपको कोई प्रश्न हो, आपकी जो भी भड़ास हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।